बीते तीन महीनों से फिलिस्तीन और इसराइल के बीच जंग चल रहा है और इसी बीच बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है खबर यही है कि गजा पर अब फिलिस्तीन का राज होगा फिलिस्तीनी ही गजा पर राज करने का काम करेंगे यानी फिलिस्तीन अब हमेशा हमेशा के लिए आजाद होने वाला है नमस्कार मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक मैं हर रोज आपको अपडेट कर रहा हूं कि गजा में क्या हो रहा है इसराइल में क्या हो रहा है फिलिस्तीन में क्या हो रहा है तीन महीने का वक्त गुजर गया युद्ध लगातार चल रहा है और हर रोज मैं नेतन्याहू को यही बता रहा था नेतन्याहू सुधर जाओ और इस लाइन को मैं हर रोज रिपीट करता था रिपीट इसलिए करता था नेतन्याहू की आंखें खुली नेतन्याहू के पास थोड़ी सी अक्ल आए, लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है खबर यही है कि गजा पर फिलिस्तीनियों का कब्जा होगा इसराइल वहां पर कब्जा नहीं करेगा और जिस तरीके से लगातार नेतन्याहू और इसके मंत्री दावे कर रहे थे ये लोग गजा पर कब्जा कर लेंगे ये लोग फिलिस्तीन को अपने कब्जे में ले लेंगे ये सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने थे और सपनों पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है और अब इसराइल ने अपने हज़ारों सैनिकों को युद्ध के मैदान से वापस इसराइल बुला लिया है और अब इसराइल ही कह रहे हैं कि गज़ा पर फिलिस्तीनियों का राज होगा फिलिस्तीनी ही गज़ा पर शासन करेंगे लाइव हिंदुस्तान लिखता है फिलिस्तीनी संभालेंगे काम इजरायली मंत्री ने दिया बड़ा अपडेट बताया गजा का क्या होगा इसराइल के रक्षा मंत्री गैलांड की तरफ से जारी योजना में कहा गया है कि एक नया चरण शुरू होगा जिसमें गजा पर हमास का नियंत्रण नहीं होगा और वह इसराइल के नागरिकों के लिए जोखिम नहीं बनेगा आगे लिखता लाइव हिंदुस्तान युद्ध क्षेत्र बने गजा को लेकर इसराइल ने प्ला प्लान तैयार कर लिया है खबर है कि इसराइल ने यहाँ करने की योजना से इनकार कर दिया है और यह भी साफ कर दिया है कि अब जो है कि इस क्षेत्र में फिलिस्तीनी ही प्रभारी बनेंगे बीते साल और सात अक्टूबर से ही युद्ध लगातार चल रहा है सात अक्टूबर 2023 से युद्ध चल रहा है और आज पांच जनवरी 2024 हज़ार चौबीस है आज नब्बे दिन पूरे हो गए तीन महीने पूरे हो गए और इसराइल को मुंह की खानी पड़ी है और इसराइल कहीं ना कहीं हार मान लिया है और इसीलिए अपने सैनिकों को लगातार वापस बुला रहा है क्योंकि ईरान ने साफ तौर पर कह दिया था जिस तरीके से उनके कमांडर को इसराइल ने मारा है और ईरान झुकने के मूड में नहीं है और बैक फुट पर इसराइल आ गया है और इसराइल ने मान लिया है कि गज़ा पर फिलिस्तीनियों का ही कब्जा होना चाहिए गज़ा इसराइल का नहीं फिलिस्तीनियों का है फिलिस्तीन के पास हथियार नहीं गोला बम बारूद नहीं फिलिस्तीनी निहत्थे लड़ाई लड़ रहे थे और ख़बर यही सामने आ रही है फिलिस्तीन आज़ाद होने की कगार पर पहुंच गया है और गजा हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरीके से आज़ाद हो गया है और इसी की लड़ाई लगातार चल रही थी फिलिस्तीन की तरफ से हमास युद्ध मैदान में था हिजबुल्ला हो और तमाम जो संगठन हैं वे लोग खुल करके फिलिस्तीन के साथ खड़े थे इसराइल पर अटैक कर रहे थे अमेरिका और इसराइल की जो दोस्ती थी वो भी कहीं ना कहीं टूट गई है इसराइल अकेले पड़ गया है फिलिस्तीन के साथ 155 से ज़्यादा मुल्क इस वक्त खड़े हैं और फिलिस्तीन को बड़ी जीत हासिल मिल हुई है और माना जा रहा है अब तक की सबसे बड़ी जीत यही है नेतन्याहू के मुंह पर करारा तमाचा है इसराइलियों के मुंह पर करारा तमाचा है कि देखो तुम लोग सपने सजो रहे थे गजा पर कब्जा करने के लिए अरे तुम कुछ भी नहीं कर पाए और पहले दिन से मैं यही बता रहा था इसराइल आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों पीछे हटेगा फिलिस्तीनियों की जीत होगी फिलिस्तीन आज़ाद होगा गजा आज़ाद होगा और फिलिस्तीनियों के कब्जे में फिलिस्तीन होगा गजा होगा और इसको इसराइल को बैक फुट पर आना पड़ेगा युद्ध को खत्म करना पड़ेगा और वही होते हुए दिखाई भी दे रहा है बहुत बड़ी जीत फिलिस्तीन की है और ये जो क्रूर शासक है इसका नाम बेंजामिन नेतन्याहू है इसको करारा तमाचा फिलिस्तीनियों ने मारा है और कहीं ऐसा ना हो अगले कुछ दिनों में आप तक ही खबर पहुंचे जराइल का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिट चुका है क्योंकि ईरान खुल के इसराइल पर अटैक कर रहा है और लगातार आई के जवानों को हमास मारने का काम कर रहा है मिश्रा अमरेश लिखते हैं आई ने स्वीकारा कि गजा में लड़ाई के दौरान उसके पांच और सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं उन्होंने यह भी स्वीकारा कि नूर शम्स आक्रमण के दौरान उनके दो सैनिक विस्फोटकों से घायल हो गए एक अन्य सैनिक सरगांव जेनिन में गंभीर रूप से घायल हो गया है सदा वफ्रिल लिखती हैं एक फिलिस्तीनी पिता अपने बच्चे के लिए बिस्किट लाने गए थे वापस आकर देखा इनके घर पर इसराइल ने बमबारी कर दी इस हमले में उनकी वाइफ और बच्चा दोनों शहीद हो गए बच्चे के शव के पास पिता रोते हुए कहता है ये बिस्किट अपने साथ जन्नत में ले कर के चले जाओ और वहीं सदा आफरीन का एक ट्वीट और है ये लिखती हैं जब सारा दुनिया नए साल का जश्न मना रहा है इसराइल फिलिस्तीनी बच्चों की हत्या कर रहा है इसराइल पिचासी दिनों में बारह हज़ार से ज़्यादा बच्चों की हत्या कर चुका है असली आतंकवादी कौन है ये आपको तय करना है लेकिन तमाम जो ख़बरें सामने आ रही हैं उन खबरों के मुताबिक यही कि गजा अब हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो गया है फिलिस्तीन भी आज़ादी के बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंच चुका है और नेतन्याहू के मुंह पर करारा तमाचा लगा है नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा है और ख़बरें ऐसी भी आ रही हैं कि चौबीस घंटे में पचास से ज़्यादा इसराइली सैनिकों को मारने का काम हमास के लड़ा लगातार कर रहे हैं और अब इसराइल की जो इसराइल का जो आखिरी दिन है वो बहुत ही ज़्यादा करीब है पास है इसराइल देख रहा है कि उसकी मौत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और लगातार मौत को अपने पास बुला रहा है हम ये कह सकते हैं कि ईरान से पंगा लेना इसराइल को भारी पड़ गया है और इसराइल का नामो निशान बहुत जल्द ही मिटने वाला है लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त काफी खुश है कि गजा हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गया है और फिलिस्तीनियों का ही कब्जा गजा पर होगा फिलहाल इस वीडियो में इतना ही लेकिन आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा धैर्य रखिए सब्र रखिए फिलिस्तीन भी आजाद हो जाएगा धन्यवाद नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं निस्सन दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें